कि हाउसिंग सोसाइटी में मामूली विवाद में एक महिला ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद सोसाइटी के गेट पर हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाली महिला का चालान कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 12 किलो गोल्ड जब्त किया है। ये गोल्ड सूडान के नागरिक के पास से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। आरोपी सारा गोल्ड बेल्ट में छिपाकर लाया था। फिलहाल कस्टम विभाग ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े मामले में पूछताछ भी कर रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना रिकॉर्ड हुई है, जिसमें एक यात्री ने पूर्णागिरी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म पर घिसटता हुआ चला गया, जिसके बाद वहां मौजूद आरपीएफ जवान ने सतर्कता दिखाई और यात्री को अपनी तरफ खींच लिया और ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। असम के कछार में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतार दिया। काफी देर तक ट्रक धू-धूकर जलता रहा। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग ट्रक के पास पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक ट्रक काफी जल चुका था। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यूपी के एटा में चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बीच सड़क पर जलती गाड़ी को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना थाना मिर्चही क्षेत्र के कासगंज रोड पर गाँव नागला अतीत के पास की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर कर रही एक महिला की जान बाल बाल बच गई। एक महिला पहले ट्रक के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश वो करती है। एक आदमी उसे बचा लेता है, लेकिन महिला प्लेटफॉर्म पर रखी अपनी बॉटल उठाने लगी। तभी तेज रफ्तार से ट्रेन गुजर गई। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बंदूक की नोक पर दुकान में लूटपाट की गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। बदमाश दुकान में बैठे आदमी पर बंदूक तानकर उससे पैसे मांगते नजर आए। सामने आए वीडियो में वो दुकानदार फोन पर बात करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी दोनों बदमाश अंदर घुस गए और उस पर बंदूक तान दी। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में सीएचसी हवासपुर में बहन का इलाज कराने आई भाई को डॉक्टर्स और स्टाफ ने लात घूसों से जमकर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल डॉक्टर्स की ओर से सही इलाज ना करने पर उसने इसका विरोध किया। इस पर डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर उसे लात घूसों से पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आगरा में चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला ने कुत्ते को पटक पटक कर मारा। सामने आए वीडियो में वो कुत्ते पर पहले थप्पड़ों की बरसात करती हुई नजर आई, लेकिन इसके बाद उसने कुत्ते को पटक पटक कर मारा। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कुछ देर बाद उसे शांत करवाया, जिसके बाद उसने कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ते ने महिला के बच्चे को काटा था। मध्य प्रदेश के रीवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी बीच सड़क पर लड़की की पिटाई कर रहा है। बीच सड़क पर लड़की की पिटाई होते देख लोग हैरान हो गए। इस दौरान वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और लड़की को मारता रहा। यही नहीं, थप्पड़ बरसाते हुए वो बार बार उसे स्कूटर पर बैठने के लिए कहता दिखाई दिया। कोलकाता में रेड के बाद 17 करोड़ और 32 लाख रुपए का कैश मिला है। कारोबारी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मोबाइल गेम एप्लीकेशन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी की थी और इस दौरान 17 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई, जिन्हें ट्रक में भर कर ले जाया गया। बिहार में पुलिस से बचकर भाग रहे शराब माफिया ने कोहराम मचा दिया है। पुलिस से शराब बचाने के चक्कर में कार सवार बदमाशों ने साइकिल से जा रहे दो दोस्तों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गाड़ी से 240 बॉटल विदेशी शराब की जब्त की गई है। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अमरेली पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं शाम को सेंट्रल स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे और मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया और वहां ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बागपत के बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा जाएंगे और कल होने वाले पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली में डीटीसी बस खरीद मामले में अब सीबीआई जांच होगी। मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक एलजी सचिवालय को जून 2022 में इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार हो रही कार्रवाई में पता चला है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, जिसके लिए चंपत मेहरा और गोल्डी बराड के साथ मिलकर साजिश रची गई थी। पुलिस के मुताबिक सलमान खान की रेकी भी की गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां उस वक्त दहशत फैल गई जब एक भालू जंगल से भटकते हुए रिहायशी इलाके में जा घुसा। ऐसे में राजबाग इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने भालू के पकड़े ना जाने तक लोगों के घर में ही रहने की हिदायत दी गई। लद्दाख में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास जारी है। दुश्मनों को ढेर करने के लिए सेना के जवानों ने सिंधु नदी पर फ्लोटिंग ब्रिज तैयार कर एक्सरसाइज की है। इस अभ्यास का वीडियो सेना ने जारी किया है, जिसमें सेना के जवान मोबिलिटी टास्क और ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने सैन्य अभ्यास को देखा और कई निर्देश भी जारी किए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पाकिस्तान दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से पाकिस्तान में मची तबाही का मंजर देखा और ये कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा जलवायु नरसंहार नहीं देखा। ऐसे में उन्होंने सभी देशों से पाकिस्तान की मदद करने को कहा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब उड़ान के वक्त रनवे के आखिरी छोर से विमान फिसल गया। गनीमत यह रही कि हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई और वो सुरक्षित बाहर निकल आया। फिलहाल विमान हादसे की जांच जारी है। वहीं आशंका ये जताई जा रही है कि यह हादसा बारिश की वजह से हुआ है। देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है और सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन न्यूज चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मूसेवाला हत्याकांड के बाद से पंजाब में लगातार गैंगस्टर के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जिस पर पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने न्यूज 18 इंडिया से खास बात